हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बेसिकली हम लोग कंज्यूमरिज्म के बारे में बात करेंगे कि ये जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको अगर कोई एक्सप्लॉइट करता है, कोई कंपनी उनके सेल्स प्रोसीजर में कोई गलत या फिर धोखा देता है, कुछ MRP है और कुछ और ही चार्ज करते हैं, तो उनके लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। द एक्ट केम इन टू इफेक्ट फर्स्ट ऑन December 24, 1986 आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट वाज मॉडिफाइड लेटर ऑन एंड द मॉडिफिकेशन केम इन टू इफेक्ट ऑन March 15, 2000। तो सबसे पहले ये जो कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, December 24, 1986 में ये इफेक्ट में आया, पार्लियामेंट ने पास किया और प्रेसिडेंट ने उसको अथॉरिटी दी और साइन किया और कहा कि नाउ दिस इज अ लॉ। लेकिन मार्च 15 को 2003 साल में इसे कुछ मॉडिफाई किया, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशन मतलब कुछ चेंजेस किए उसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बिकॉज 1986 का जो सिचुएशन रहा होगा उस हिसाब से उन्होंने 1986 में बना दिया, लेकिन अब ज़माना 2000-2003 का है, तो उस हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस किए जिसका इफेक्ट आना, मतलब जो रूल में आया मार्च 15, 2003। द एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स इन इंडिया एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। पहले क्या होता था ना, जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग ही दर्जा दिया जाता था और जो भी लॉ बनते थे वो जम्मू एंड कश्मीर को नहीं कंसिडर करते थे, बिकॉज उनका एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। लेकिन जैसे ही सेक्शन 370, आर्टिकल 370, ठीक है, ये जैसे ही रिमूव कर दिया, तब से इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो डिटेल है ये आपको मैं पुराना और प्लस नया अपडेट बता रहा हूँ। पहले एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर लिखते थे, लेकिन अभी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो याद रखिएगा, द एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स इन इंडिया, बस इतना ही हमें लिखना है, एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर नहीं लिखना है। द एक्ट मेक्स प्रोविजन टू इंक्लूड बोथ टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल सर्विसेज हेंसफोर्थ रेफर्ड टू एज प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम अ ट्रेड सर्विस प्रोवाइडर हेंसफोर्थ रेफर्ड टू एज कंपनी। तो ये जो एक्ट है, ये जो प्रोविजन है, ये बहुत टेंजिबल गुड्स के लिए भी है, इनटेंजिबल। अब टेंजिबल यानी फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, इनटेंजिबल यानी वो जो चीज़ हमें दिखता नहीं है। तो इनटेंजिबल में क्या आएगा, आपके सर्विसेज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसे रेफर करेंगे प्रोडक्ट, चाहे वो सर्विस हो या फिर प्रोडक्ट हो। अगर आपको समझिए कोई केस फाइल करना है किसी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर, तो आप लिखेंगे इनटेंजिबल सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि वो सर्विस आपको दिखता नहीं है। अल्टीमेटली वो प्रोसीजर होने के बाद, इंश्योरेंस जब आप परचेज करते हो तो उसका पेमेंट करते हो एंड देन एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, दैट्स इट। बीच में जो प्रोसीजर होता है दैट इज़ नॉट विजिबल। सो जो दिखता है दैट इज़ टेंजिबल, जो नहीं दिखता, जो इनविजिबल है प्रोसेस, ठीक है, दैट इज़ एन इनटेंजिबल सर्विस। द एक्ट कैन अप्लाई टू एनी कंज्यूमर हु यूजेस द प्रोडक्ट फॉर नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज, द ओनली एक्सेप्शन बीइंग यूज्ड ऑफ इट टू अर्न हिज लाइवलीहुड। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर यानी एंड यूजर के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप होलसेलर से कोई प्रोडक्ट लेते हो और आप रीसेल करते हो, ठीक है, तो वो नहीं होगा यहाँ पे। सो द ओनली एक्सेप्शन बीइंग यूज ऑफ इट टू अर्न हिज लाइवलीहुड, अगर आप उससे कुछ अर्निंग्स करते हो तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए है जो उसे एट दी एंड यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका चेन जो है, सेलिंग का चेन या फिर बाइंग का चेन वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सी फॉर एग्जांपल, अब मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपने क्या किया, इस वीडियो को किसी और को सेल कर दिया, तो आप मेरे अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं कर सकते एज अ कंज्यूमर, बिकॉज आपने मुझे कुछ फीस पे किया है, ठीक है। तो एट द एंड अगर आप तक ही रुक जाता तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुछ कर सकते, ठीक है।
लेकिन आपने मेरी सर्विस ली और वो सर्विस को आगे किसी और को रीसेल कर दिया, ठीक है, आपने अपना कुछ अर्निंग चालू किया, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो फाइनल कंज्यूमर है, जो स्टूडेंट्स है, उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। लेकिन वो मुझे नहीं कंप्लेंट करेंगे जो आपसे सर्विस ले रहे हैं, वो आपके नाम पे कंप्लेंट करेंगे, बिकॉज यू आर द सेलर एंड दे आर द बायर ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स, एक्ट एक्सक्लूड कमर्शियल कस्टमर्स फुल्ली बट इंक्लूड इंडिविजुअल डोमेस्टिक कस्टमर, ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक कस्टमर, सोसाइटीज एंड नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक्सक्लूजन ये है कि जो कमर्शियल कस्टमर्स है, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए कस्टमर्स है, वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे। लेकिन एक इंडिविजुअल डोमेस्टिक कस्टमर, यानी हमारे इंडिविजुअल घरगुती जो इंडिया के, इंडिया में ही कस्टमर है हमारे, डोमेस्टिक यानी अपना जो कंट्री है वो, इंटरनेशनल यानी बाहर की कंट्री, तो इंडिविजुअल डोमेस्टिक है, या फिर एक ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है। ऐसा भी हो सकता है आप किसी होटल में लंच या डिनर के लिए जाते हो और आपको सर्विस अच्छा नहीं मिलता, आप क्या करते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाते हो और बोलते हो कि एक पर्टिकुलर डिश का प्राइस इतना था बट उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा चार्ज किया, मेन्यू में एक प्राइस लिखा था और उन्होंने चार्ज एक्स्ट्रा किया, ठीक है। तो ये एक पूरा फैमिली गया है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स है, फिर ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक कस्टमर, किसी सोसाइटी ने, नाउ दिस सोसाइटी कैन बी एक बिल्डिंग वाला सोसाइटी हो, या फिर एक कम्युनिटी वाला सोसाइटी हो, ठीक है, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो NGOs है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कस्टमर्स रहते हैं और उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। और एडवर्टाइजमेंट हमने देखा ही होगा, जागो ग्राहक को जागो, तो ग्राहक को जागना पड़ेगा और उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी जाके वो जगेंगे और उस हिसाब से वो एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। 68 ऑफ 1986, 24 दिसंबर 1986, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड फॉर दैट पर्पसेस टू मेक प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स एंड अदर अथॉरिटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। तो ये जो प्रोटेक्शन है, इसका मेन पर्पस था कि एक प्रोविजन बनाए, ठीक है, और एक एस्टैब्लिशमेंट करे कि कंज्यूमर काउंसिल का एक ग्रुप बने, ठीक है। और ये कंज्यूमर काउंसिल क्या करेगा, इनके पास कुछ अथॉरिटीज रहेंगी, ठीक है, और ये कस्टमर्स के डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे, ठीक है। डिस्प्यूट्स यानी उनका जो भेदभाव है, उनके जो कंप्लेंट्स है, बेसिकली वो सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे और उससे जो भी मैटर कनेक्टेड है कस्टमर्स और सेलर से, उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे और फाइनल सॉल्यूशन करेंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम इमोरल एक्टिविटी एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेडर। कुछ ट्रेडर होते हैं ना, कि देखिए आप कोल्ड ड्रिंक भी लेने जाते हो, उसका प्राइस 40 रुपीज़ रहता है, लेकिन वो 45 रुपीज़ चार्ज करता है, ठीक है। अगर आप मॉल्स में जाते हो, मूवी देखने जाते हो, PVR में कोल्ड ड्रिंक का प्राइस इज 40 रुपीज़, दे चार्ज यू 60 और 50 रुपीज़। पानी का बॉटल का प्राइस इज 15 रुपीज़, दे चार्ज यू 40 रुपीज़। सो दैट इज एन इमोरल एक्टिविटी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो उनके अगेंस्ट में आप का जो प्रोटेक्शन है वो होना चाहिए। अच्छा, ये प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन अगर जब तक आप लीगली उन पे केस या एक्शन नहीं लेते, केस फाइल नहीं करते, या फिर कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करते, तब तक ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला। बिकॉज अल्टीमेटली देखिए, अगर मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, या फिर उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि कमेंट कीजिए और बताइए कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेंदी चाहिए, छोटा चाहिए, कैसा चलता है, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, राइट। ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है, और ये ऑफिशियल फीडबैक कब देते हैं आप, जब आपका प्रोटेक्शन नहीं जाता है, आपको 40 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है 70-80 रुपीज़ में चार्ज हो रहा है, तो दैट इज़ एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो आपको वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट करना होगा, और ये कहीं ना कहीं किसी के अंडर होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर होगा, और कंज्यूमर काउंसिल जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, वहाँ पे आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, अब ये क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है। प्रोटेक्ट यानी उसे सिक्योर करना, प्रमोट यानी अवेयर करना कंज्यूमर्स, आपके कुछ राइट्स हैं, आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके कुछ ड्यूटीज़ है,
then to support consumer protection council to educate the consumers and make them aware of their rights. तो consumer protection council क्या करता है, educate करता है और हमारे जो consumers है, civilians है, लोग हैं, उनके rights के बारे में awareness बढ़ाता है to redress disputes of the consumers and matters connected with them speedily. अब specially consumer protection act इसीलिए बनाया है कि ये जो disputes है, जो भी तकलीफ है, वो जो भी कनेक्टेड टू कंज्यूमर और सेलर है वो स्पीडिली रिकवर हो, स्पीडिली रिजॉल्व हो और उसका सोल्यूशन निकले. क्योंकि कोर्ट्स में, नॉर्मल कोर्ट्स में इतने सारे केसेस है, तो ये एक और कंज्यूमर का कंप्लेंट आ गया तो वो अलग डिपार्टमेंट है, अलग लॉ है, इसलिए एक अलग एक्ट भी बनाया है उनके लिए. और ये कंज्यूमर का जो सोल्यूशन है, डिस्प्यूट का जो एंड रिजल्ट है, वो फाइनली जल्दी से जल्दी आना चाहिए. तो मेक प्रोविजन फॉर क्वासी जुडिशियल मशीनरी टू कंट्रोल मार्केटिंग. एक क्वासी जुडिशियल मशीनरी बनाना जरूरी है ताकि मार्केटिंग कंट्रोल में रहे और कोई फॉल्स एश्योरेंस ना दे. अभी कोरोना के टाइम पे हर हर प्रोडक्ट में यही लिखा है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके घर को सुरक्षित रखता है. अगर आपने कोलिन का एड देखा होगा, फिर ऐसे कोलिन रिलेटेड या फिर हार्पिक प्रोडक्ट जैसे कुछ प्रोडक्ट के ऐड देखे होंगे, डिटर्जेंट्स के कुछ ऐड देखे होंगे, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स के ऐड्स देखे होंगे, तो वो इम्यूनिटी की बात करेंगे, कोरोना को मारने की बात करेंगे. डेटॉल तो क्लियरली कह रहा है कि 99% सुरक्षित है और कोरोना को मारने की शक्ति रखता है. तो वो अगर आपको लग रहा है कि ये फॉल्स है, तो आप जाके वहाँ पे कंप्लेन करो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, और ये जो गलत मार्केटिंग कर रहे हैं उन पर भी एक्शन ले सकते हो. फीचर्स क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? एक्ट एम्स टू प्रोवाइड बेटर एंड ऑल राउंड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर. एक बेटर और ऑल राउंड, मतलब आप किसी भी तरीके का कंप्लेंट लेकर जाओ, आपका कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगा. इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एप्लीकेशन इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सारे कंट्री को अप्लीकेबल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये पहले था, एक डेढ़ साल पहले की बात थी, लेकिन अभी इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है. इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज को एप्लीकेबल है, लेकिन जब तक कुछ अलग नोटिफिकेशन नहीं आता सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब तक कोई मॉडिफिकेशन और चेंजेस नहीं होंगे. सारे गुड्स और सर्विसेज जो है वो कंसिडर होंगे, एप्लीकेबल होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए. इट इज़ इंडीड अ वेरी यूनिक एंड हाईली प्रोग्रेसिव पीस ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन एंड इज अक्लेम्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कंज्यूमर. एक्ट हैज़ मेड कंज्यूमर मूवमेंट रियली ग्रोइंग एंड मोर पावरफुल, ब्रॉड बेस्ड एंड इफेक्टिव एंड पीपल ओरिएंटेड. इन फैक्ट द एक्ट एंड इट्स अमेंडमेंट इन 1993 हैव ब्रॉट फ्रेश होप्स टू द बेलीगर्ड इंडियन कंज्यूमर. This is the only law which directly pertains to marketplace and seeks to redress complaint arising from it. Even prior to 1986, there were in force a number of laws which could be interpreted in favor of consumers. But this act is most powerful piece of legislation the consumer has had before 1986. Its provisions are very comprehensive and highly efficient. देखिए, जब भी लॉ के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, तो ऐसे बड़े बड़े शब्द हमें सुनने मिलते हैं, ठीक है, रिड्रेसल हो या फिर कॉम्प्रेहेंसिव हो, हाईली एफिकेसी हो. सो जनरली इन्होंने एक चीज़ कहा है, इन्होंने क्या बोला है कि ये एक बहुत ही यूनिक तरीके का लॉ है और हाईली प्रोग्रेसिव पीस ऑफ सोशल वेलफेयर. ये जो सोशल वेलफेयर है वो प्रोग्रेसिव है, यानी कि वो कंटिन्यूसली मॉडिफाई होते रहता है. क्यों मॉडिफाई होते रहता है? क्योंकि जैसा जैसा जनरेशन बदलता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, वैसे वैसे हमें उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है. देखिए, कोरोना आ गया और हमने वर्क फ्रॉम होम चालू नहीं किया, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा. सिंपल है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के साथ आपका बिजनेस रनिंग होगा, आपका सेल्स बढ़ेगा, आपकी जो भी आउटसोर्सिंग वर्क है वो फुलफिल होंगे, राइट? तो जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप ले रहे हो घर बैठे बैठे, तो वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है या फिर एक एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन ऑफ मनी, राइट?
ये जो एक्ट है प्रोग्रेसिव होता है. द एक्ट हैज मेड कंज्यूमर मूवमेंट रियली गोइंग एंड मोर पावरफुल. क्योंकि एक्ट की वजह से ना कंज्यूमर मूवमेंट आया, ठीक है. और 1993 में इनको एक अमेंडमेंट भी हुआ, फ्रेश होप भी मिला इंडियन कंज्यूमर्स की तरफ से कि कुछ नया हमारे लिए आ रहा है. और ये एक ऐसा लॉ है जो डायरेक्टली मार्केट प्लेस में इफेक्ट करता है. इस लॉ की वजह से बहुत सारे सेलर्स जो है अपने प्राइस को लिमिटेड रखते हैं, और यही कोशिश रहती है कि एक तो एमआरपी में सेल करें या फिर एमआरपी से कम. इनफैक्ट इट प्रोवाइड्स मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स देन एनी करस्पॉन्डिंग लेजिस्लेशन इनफोर्स इवन इन कंट्रीज विच आर कंसिडर्ड टू बी मच मोर एडवांस. जो भी एडवांस कंट्रीज है वो भी अपने लेजिस्लेशन में ये लॉ को एनफोर्स करते हैं, और कंज्यूमर्स के जो भी इश्यूज है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर खुश रहे तो आपके बिजनेस चलेंगे. अगर कंट्री में बिजनेस चलेंगे तो जाके टैक्स के थ्रू या फिर कोई और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू, CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको फंडिंग आएगी, तभी जाके आपका गवर्नमेंट चलेगा. और आपका अगर गवर्नमेंट अच्छे से चला तो अगेन आपके जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो खुश रहेंगे. सो इट्स अ सर्कुलर मोशन और सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी. लेकिन वो कैसे होगा, जब आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्ट्रांग रहेगा, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपके कंज्यूमर को सेफ गार्ड करेंगे. इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव सेफ गार्ड टू द कंज्यूमर्स अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सच एज डिफेक्टिव गुड्स, अनसैटिस्फैक्ट्री और डेफिशिएंट सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो आपके कस्टमर्स को कैसे सेफ गार्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं हो, आप कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना दे तो कंज्यूमर सेफ गार्ड रहेगा, सेफ रहेगा, खुश रहेगा, अनसेटिस्फैक्शन ना रहे, ठीक है. कोई भी कंज्यूमर किसी भी सेलर या फिर वेंडर के पास जाते हैं तो उनका जो सर्विस है खुश होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक मिलना चाहिए, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए. ये तीन चीज़ जो मेंशन की है ये एक्सप्लॉइट करते हैं कंज्यूमर्स को, और उनके भावनाओं को अगर दुख पहुँचता है, उनके पैसों को अगर एक्सप्लॉइट करते हो, एक्स्ट्रा चार्ज करते हो आप, तब जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काम आता है. डू यू नो योर कंज्यूमर राइट्स, क्या आपको आपके कंज्यूमर राइट्स पता है? तो देखिए क्या क्या कंज्यूमर राइट्स है. द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अगर कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो हजार्डस है, मतलब धोखादायक है हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी. कोरोना के टाइम पे हम लोग 3 महीने लॉकडाउन में थे, ऑफिशियल लॉकडाउन में. उसके 1-2 महीने बाद भी ऑफिशियल लॉकडाउन, यानी 5 महीने ऑफिशियल लॉकडाउन में थे. अभी भी हम ऑफिशियल लॉकडाउन में हैं. एसेंशियल सर्विसेज के बाद धीरे धीरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो रहे हैं. लेकिन इस दौरान जब हम लोग बाहर का खाना खाते हैं तो राइट टू बी प्रोटेक्टेड ये वाला चीज़ जो है ना हमें यूज़ करना है. बिकॉज आपके अगर यहाँ पे कोई शेफ है, कोई एम्प्लॉय है जिन्हें कोविड हुआ है फिर भी वो काम पे आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके खाने के थ्रू या फिर उन्होंने जिस डिश में सर्व किया उसके थ्रू कंज्यूमर्स को कोविड हो जाए, तो राइट टू बी प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल हम लोग कर सकेंगे. और सेकेंडली वो एग्ज़ाम्पल जो था वो सर्विस रिलेटेड था, लेकिन जो मार्केटिंग है, ठीक है, वहाँ पे भी आपका प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है. आपने एडवर्टाइजिंग में बताया कि ये जो डिटॉल है वो 99% कोरोना को मात करता है. किसी को कोरोना हुआ है उनके घर में डिटॉल से सैनिटाइज किया गया है, लेकिन वो हमने पूरे 3-4 लीटर के बॉटल से सैनिटाइज कर लिया, लेकिन वो जो केमिकल है उसके स्मेल से उनको लंग इन्फेक्शन हो गया, तो क्या करेंगे? तो वो हजार्डस है लाइफ के लिए. तो आपके लाइफ के लिए अगर हजार्डस है तो वो पहले ही बताना चाहिए मार्केटिंग में, या फिर उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उनके प्रोडक्ट के पीछे, वहाँ पे भी उन्हें एक वार्निंग देना चाहिए कि ये हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, लिमिटेड वॉल्यूम में इसे यूज़ करें. द राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर को, कस्टमर्स को हमेशा इन्फॉर्म करना चाहिए, मे बी थ्रू एडवर्टाइजमेंट, मे बी थ्रू लेटर और स्टेटमेंट रिटर्न ऑन देयर प्रोडक्ट, ठीक है. एक प्रोडक्ट के पीछे हमेशा छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, और उसमें एक चीज़ होता है MRP, और हमारा ध्यान सिर्फ वही जाता है. एक्सपायरी डेट भी होता है लेकिन हम वो भूल
बहुत रेयरली चेक करते हैं। तो राइट टू बी इन्फॉर्म में उसका क्या क्वालिटी है, कितने क्वांटिटी का है? क्वांटिटी तो चलो हमें पता चलता है, क्वालिटी हमें कैसे पता चलेगा? वहाँ पे मेंशन होना ज़रूरी है, और उस क्वालिटी के हिसाब से अगर टेस्ट नहीं आता, सेटिस्फैक्शन नहीं आता, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उन पर कंप्लेन कर सकते हो। क्वांटिटी बताना है, पोटेंसी बताना है, प्योरिटी बताना है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म होनी चाहिए। देन राइट टू बी अश्योर्ड, आपको एक एश्योरेंस मिलना चाहिए कि जो भी गुड्स है वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइजेस है और आपका जो मॉनिटरी एक्सप्लॉयटेशन है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। द राइट टू बी हर्ड, आपका जो भी प्रॉब्लम है कंपनी में सुनना चाहिए, और इसीलिए कस्टमर्स केयर है बहुत सारे कंपनीज के, और उनके कस्टमर केयर के ईमेल नंबर्स, ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर्स, कस्टमर केयर के कॉल सेंटर नंबर्स सारे प्रोडक्ट्स के पीछे आपको मिल जाएंगे। इसी वजह से कंज्यूमर राइट्स की वजह से आपको मिल जाते हैं। द राइट टू सीक रिट्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और अनस्क्रिपुलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो राइट टू सीक रिड्रेसल, आपके कंप्लेंट के अगेंस्ट, आपके तकलीफ के अगेंस्ट रिड्रेसल यानी सोल्यूशन आपको कोई ना कोई मिलना चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो या फिर आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन हो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना भी एक कंज्यूमर राइट्स का ड्यूटी है, और कंज्यूमर राइट अपने आप को एजुकेटिव या फिर अवेयरनेस काइंड ऑफ चीज़ में वो लेकर आता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और वो टाइम टू टाइम होते ही रहता है। इसीलिए हमारे पास एक टैगलाइन है, जागो ग्राहक जागो। और ये तो गवर्नमेंट की तरफ से हो ही रहा है, लेकिन हमारी तरफ से भी हमें अपने आप को एजुकेट करना ज़रूरी है एज अ कंज्यूमर। कॉजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, अब कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से और कैसे कैसे होगा, देखिए कंज्यूमर के क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ तो कोई प्रोडक्ट है 1,000 का और आपसे 3,000 ले रहे हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, स्पायरलिंग प्राइजेस, ठीक है, कुछ अदर प्राइजेस है जो एडिशनल प्राइजेस जो नहीं लगाने चाहिए वो आपसे ले रहे, अडल्ट्रेशन, कोई एडिफिकेशन या मॉडिफिकेशन है तो वहाँ पे भी आपसे कुछ अलग चार्ज ले रहे, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है बहुत घटिया क्वालिटी का है, जो स्टैंडर्ड उन्होंने बताया था वो नहीं था। अब स्पाइरलिंग और अडल्टरेशन में क्या है, छोटे मोटे चेंजेस ठीक है, अगर आप कोई टू व्हीलर ले रहे हो और आप उसे बोलते हो कि ट्यूबलेस टायर चाहिए जबकि उसको ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब वाले टायर है, तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कलर चेंज हो रहा है तो वो नॉमिनल चेंज ऑफ प्राइस जो है वो ठीक है, लेकिन कलर वेरिएंट में अगर आप बोलो वाइट वाला बाइक चाहिए वाइट कलर का, तो वो एक एक्स प्राइस का अमाउंट है, और ब्लैक कलर का अगर कोई व्हीकल लेना है तो उसका एक्स प्लस 10,000-20,000, तो 10,000-20,000 कलर चेंज होने से अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स नथिंग बट एन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये एक्सप्लॉयटेशन में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे और थोड़ी चार्जेस होंगे, 1,000-2,000 मैक्सिमम 5,000 तो ठीक है, और अगर आप हाई एंड मॉडल ले रहे हो, लग्जरियस व्हीकल ले रहे हो, तो यहाँ पे चेंजेस होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज उस हिसाब से वो कलर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्पायरलिंग और अडल्ट्रेशन में याद रखना है, कुछ नॉमिनल चेंजेस है तो आप एक्सप्लॉयट नहीं हो रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा चेंज जो आपके सोच के बाहर है कि इतना कैसे चार्ज हो रहा है या फिर इतने कैसे प्राइस बढ़ रहा है, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट हो तो ऑफ कोर्स हम सारे लोग कंप्लेन करेंगे, बिकॉज हमें एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस जब आप चार्ज करते हो, तो पैकिंग डिसेप्टिव है, पैकिंग अच्छी नहीं है। अगर आपने अमेजोन या फिर मिंट्रा से कुछ ऑर्डर करा है और आपका प्रोडक्ट डैमेज मोड में आपको मिला है तो आप उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो। अंडरवेट सप्लायर है, ठीक है, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, नेग्लिजेंस इन सर्विस और मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, अगर ये सारी चीज़ें भी होती है तो कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम है और कंज्यूमर एक्सप्लॉयट हो रहा है। और यूनियन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट एंड ऑफरिंग गिफ्ट एंड प्राइस, अगर आपको कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि मैगी खाने से कोरोना नहीं होता, अगर मैगी खाने से कोरोना नहीं होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ मैगी खाते हम तीनों टाइम मैजिक मसाला ऐड करके,
वैसे ही ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है और इसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई गिफ्ट एंड प्राइजेस मिल रहा है बिना मतलब के, ठीक है, एंड दैट्स ऑल्सो एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बिकॉज आप उनके पास पहली बार गए हो, उनका कुछ ऑफर चल रहा है, देन ऑफर इज ओके। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट जिनके अगेंस्ट में मतलब बिना मतलब का आपको गिफ्ट मिल रहा है, अगर आप रेगुलर कस्टमर हो तो ठीक है, गिफ्ट मिलना लाजमी है। आप उनके लॉयल कस्टमर हो तो गिफ्ट मिलना जाहिर सी बात है। अगर पहली बार शॉप ओपन हुआ है, ओपनिंग है, तो गिफ्ट मिलना जाहिर सी बात है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कोई गिफ्ट या फिर कोई प्राइज अगर ऑफर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो दैट्स एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बिकॉज आप अपने कॉम्पिटिटर्स के जो कस्टमर्स हैं वो छीन रहे हो और एक्सप्लॉइट कर रहे हो बेसिकली, और बिजनेस आप लॉयली और एथिकली नहीं कर रहे हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल द एक्ट प्रोविजंस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट काउंसिल एट द सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू प्रमोट कंज्यूमरिज्म। तो कंज्यूमरिज्म प्रमोट करने के लिए स्टेट और सेंट्रल जो है वो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाती है। दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हैव वेरी लिटिल स्टैट्यूटरी पावर्स एंड एज सच एनी डायरेक्ट बेनिफिट यू कैन गेट एज अ कंज्यूमर फ्रॉम दिस काउंसिल इज लो टू नन। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है इनके पास ज़्यादा कुछ राइट्स नहीं है, स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं है, और अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में जाओगे तो आपका जो बेनिफिट है, आपको जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए वो बहुत कम एक्सपेक्टेशन लेकर आपको चलना पड़ेगा, या फिर यही सोचना पड़ेगा कि ना के बराबर ही मुझे कोई रिप्लाई या फिर सॉल्यूशन मिलेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, अब कुछ एजेंसीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट है उसे एड्रेस करते हैं और रिजॉल्व करते हैं। दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स। अब ये जो सेक्शन है एक्ट का, अब कंज्यूमर कोर्ट को क्रिएट करता है, और कंज्यूमर कोर्ट अगर बनता है यानी आपका कंप्लेंट वहाँ पे सुनाई देता है और आपकी सुनवाई होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट एंड मेंटेन नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इन न्यू दिल्ली। फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है वो एक तो न्यू दिल्ली में है, और ये बनाता कौन है, इस्टेब्लिश या क्रिएट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट द स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो डिस्ट्रिक्ट में हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर रिड्रेसल बनेंगे, स्टेट हो तो स्टेट लेवल के बनेंगे, और जो भी नाम दिया है स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, उस पर्टिकुलर जगह का जो कंट्रोलर है, अथॉरिटेटिव पर्सन है, या बेसिकली गवर्नमेंट के जो हेड ऑफ द इंडिविजुअल्स है वो लोग करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन क्रिएट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम बनेंगे। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन यू सी कोर्ट प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स क्या क्या रूल्स है। तो अगर 20 लाख तक का कोई भी कंपनसेशन आपको चाहिए एज अ कंज्यूमर, तो कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में जाएंगे। 20 लाख का अमाउंट होगा या फिर 20 लाख के नीचे होगा तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में जाएंगे। प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज। अब जो प्रेसिडेंट है कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी का, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए, ठीक है, और टू अदर मेंबर्स, वन मस्ट बी अ वुमन, जो भी उनके अंडर काम करते हैं जो मेंबर्स हैं जज के अंदर, दो होने चाहिए और दो में से एक वुमन यानी एक लेडी होनी चाहिए। 20 लाख से 1 करोड़ तक का अगर कोई कंपनसेशन देना है तो स्टेट कंज्यूमर में जा सकते हो, और स्टेट कंज्यूमर में कौन होगा, प्रेसिडेंट या हेड, मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज जो है वो ये एक पर्टिकुलर अमाउंट रेंज का कंज्यूमर का रिड्रेसल करते हैं, और एटलीस्ट टू अदर मेंबर्स उनके साथ होने चाहिए ताकि उन्हें गाइड करे, उन्हें प्रॉपर नोट्स एंड लॉज के बारे में बताए, ठीक है, क्योंकि जजेस के पास इतने सारे केसेस होते हैं ना, तो उनको एक रेफरेंस ज़रूरत है, और यही अदर मेंबर जो है वो रेफरेंस देने का और उन्हें केस फिर से समझाने का और याद दिलाने का काम करते हैं।
एक करोड़ से अगर ज़्यादा हो तो हम नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल कमीशन में जाएंगे और मस्ट बी पर्सन वो इज और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए, स्टेट में हाई कोर्ट के जज होने चाहिए और नेशनल में सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, और दोनों में जो अदर मेंबर्स है, डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन जरूरी है, एक मैन हो सकता है, तो मैन एंड वुमेन। सेकंड में एटलीस्ट दो मेंबर्स ये जेंडर स्पेसिफिकेशन कुछ दिया नहीं है, और जब नेशनल में जाते हैं तो चार मेंबर्स की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडी। बाय बाय।